आपको भी सर बधाई। सबसे पहले मैं इस पूर्व उत्तर प्रदेश और क्षेत्रवासियों को ईद ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन सबसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि हमारा देश आज जो है एक बड़ी महामारी में जूझ रहा है और हम सबको मिलकर उन लोगों का ध्यान रखना है जो लोग हम अपनी ईद मना रहे हैं, साथ ही साथ हम उन लोग की ईद को फीका ना पड़ने दें जिनकी आजीविका कमज़ोर है, जो लोग डेली जो है रोज़मर्रा वाले हैं, हम लोग बंद हाथों से उनका सहयोग करके उन सब की भी ईद को खुशहाल करें। तभी जब हम सब मिलकर खुशहाल करेंगे तो वो सब भी खुशहाल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुद्दा उठता है विकास की, तो ये तलाक महल के आपके जो इलाके में है, जो किस तरीके से विकास हो रहा है? देखिए, क्योंकि इस वक्त जो सरकार बैठी है, मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर शहर के अंदर विकास इतनी ज़ोरदारी से नहीं हो रहा। देखिए, विकास तो यहाँ आर नगर विधानसभा में अभी कुछ नहीं हुआ है जी। और अभी मैं आपको बता दूँ, बीते दिनों की बात है, कल जो है पीछे लाल इमली वाला जो एक कंस्ट्रक्शन था उसमें लाइट फॉल्ट हो गई थी, जिसको 24 घंटे के अंदर भी जो है उन्होंने उसका निस्तारण नहीं किया। लोग नहाने के लिए बैठे रहे, वो चैनल उन्होंने नहीं बनवाया। कल जब मैं खुद गया तो उन्होंने उस पर काम कराया, जय साहब से ही बात हुई, उसके बाद उन्होंने जो है कल रात में उसको काम कराया जय ने जी। तो सर, जैसे कि आपके हमने यहाँ पे वाइट भी लिया, नालियाँ भी देखी, जो कि पूरा लोगों का कहना है कि जब से रमज़ान शुरू हुए जब से यहाँ पे कोई सफाई नहीं। देखिए, आप भ्रमण करके अभी आ रहे होंगे, आप लोग को पहले ही जो सब सूचना रहती है, आपके सामने है, नाले लगातार भर रहे हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, लेकिन वो गाड़ियों लगने का कोई मकसद नहीं है, उसमें जल भराव लगातार नालियों का पानी है। देखिए, क्यों कोरोना गाइडलाइन थी, नमाजी निकले नहीं, मस्जिदों में नमाजें हुई नहीं, बस जो गाइडलाइन थी पर सरकार के हिसाब से थी, 5 लोग के हिसाब से हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको अहमियत नहीं दी और जो नाले भरे थे भरे रहे। विधायक जी भी यहाँ के क्षेत्र के थे, वो भी आए, लेकिन उन्होंने भी कोई काम ऐसा नहीं। यहाँ के जैसे कि निगम पार्षद, नाम जानना चाहूँगा, निगम पार्षद भी यहाँ के ऐसे सफाई करवा सकते हैं जो कि सफाई सबके लिए है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सफाई अगर होगी तो महामारी ये इतना नहीं फैलेगी। देखिए, ये इसकी मुझे सूचना नहीं है कि पार्षद जी के संज्ञान में मामला था कि नहीं था, क्योंकि कोरोना का समय पार्षद जी भी रिजर्व कर रहे, हर कोई रिजर्व कर रहा, और अच्छी बात है, हम लोग को कोरोना कराने के लिए रिजर्व ही करना पड़ेगा, एक दूसरे दूरी रखनी पड़ेगी। हो सकता है उन तक सूचना ना पहुंची हो, बाकी लगातार क्षेत्र विधायक भी क्षेत्र में थे तो उनके संज्ञान में भी था। अब आगे क्या मामला हुआ, जैसे कि लोगों का कहना है कि विधायक जी यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जो है ऐसा कोई उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, जो कि नालियाँ इस टाइम भरी हुई चल रही, लोगों को इतनी परेशानी हो रही निकलने को कि शाम के वक्त जो है यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता। सर, पूरी नालियाँ भरी हुई, पूरे क्षेत्र की नालियाँ भरी हुई हैं, मलबा मैला, हम आपको किस शब्दों में बताएं, पूरा मैला बाहर पे है, आदमी वैसे ही नहीं निकल रहा। अगर क्षेत्र की जनता निकली जो गाइडलाइन ना होती तो फिर क्षेत्र की जनता उनसे खुद सवाल पूछती। हमारा यहाँ कुछ कहना इतना अच्छा नहीं है। सर, आप यहाँ के जानी माने हस्ती हैं, तो आप अपने समाज के लिए निकल के बाहर कुछ कदम उठाइए ना सर। देखिए, थोड़ा सा कोरोना की गाइडलाइन है, हम निकलेंगे तो आदमी यही कहेगा ये कोरोना जैसी महामारी में अपना एक अवसर ढूंढ रहे हैं, तो मुझे पहले देश चाहिए, देश की हमारे लिए बड़ा है, हम लोग अपने लोग की ज़िंदगी का सवाल है, सब लोगों के लिए। हम जब रिजर्व करेंगे तब हमें देख के दूसरा प्रेरणा देकर रिजर्व करेगा, हम ही अवसर ढूंढने चले जाएंगे तो फिर कोरोना तो और बढ़ जाएगा। तो जैसे गंदगी है तो क्या ऐसे आप यहाँ की आम गंदगियों से जूझती रहेगी सर? थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप कम हो तो हम लोग लगातार प्रयास से पहले करते आए हैं, कई ऐसे मामले में हम लोग ने प्रयास किया है। कल जब 6 से बहुत फोन आया तो खुद मैं गया बिजली घर, मैंने अपना पूरा काम करवा के आया, तो अब कोरोना कम होने दिए, फिर उसके बाद क्षेत्र में निकला जाएगा और मेहनत की जाएगी, जो जनता की समस्या है उन सबको दूर करा जाएगा। जी जी, बिल्कुल। बहुत सर, आगे की रणनीति क्या होगा? आगे जैसे 2021 में चुनाव, 22 में चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से आप मेहनत करेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ जो है अपना जो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, उस पर करेंगे। हम पहले तो कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा दे देंगे उसके बाद हम लोग सुन रहे हैं, और जनता सब कुछ समझ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर, हम लोग अभी जनता के बीच में गए थे तो आपकी लोग फिर ये बहुत दिखी जनता के बीच में, और जनता की आप मांग है कि उषामा भाई हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। देखिए, अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा आदेश देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो बिल्कुल लड़ा जाएगा, और जनता के फैसला जो है, जनता जिसको चाहती है उसको नेता बनाती है, जनता अगर ठान लेगी तो विधानसभा भेज देगी तो पहुंच जाऊंगा। जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, उम्मीद आगे भी मिलता रहे जनता।